नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बलवंडा मंडल में इस वक्त हम खड़े हैं, बलवंडा बाजार है, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ निशिकांत दुबे जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, बलवंडा में आप आए, कैसा समर्थन यहाँ पे मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? आप मेरे साथ मेहरमा में भी थे, आप मेरे साथ ठाकुर गंती में थे जी, और अब आप बलवंडा मंडल में जी। आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि यहाँ किसी का कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है, और जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको न दिन दिखाई देता है, न रात दिखाई देता है, न धूप दिखाई देता है, न बारिश दिखाई देता है। ऐसा देव दुर्लभ कार्यकर्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। और उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि महागामा की लीड इतनी बड़ी होगी कि जब हम सबकी जमानत जब्त कराएंगे तो महागामा उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। वो विप्लव के थके साथियों विजय हुई विश्राम न समझो, एक पंक्ति लिखी गई थी। और जब भी मैं गांव में घूमता हूं यहां पे, तो मैं पूछता हूं, मैं अननोन आदमी की तरफ पूछता हूं कि आपको निशिकांत दुबे कैसे लगते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि थकते नहीं हैं, फिट हैं इस उम्र में भी। आप ये मुझे बताइए कि जब आप चुनाव जीते तो आपको संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद भी आपने चुनाव लड़ा, फिर इतना काम किया, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? आप समझिए कि 2009 और 2014 दो ऐसा चुनाव था जहाँ की मैं खुद ही डरा हुआ था, और मुझे जीत और हार का क्या फासला होगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। उस वक्त मैंने इतनी मेहनत नहीं की, जब आज मुझे लग रहा है कि मैं हर हालत में सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दूंगा। आज जब मोदी जी की सुनामी देख रहा हूं, उसके बाद मैं 2009-2014 से ज़्यादा काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से जो मैसेज जाएगा वो मैसेज ये दिखाएगा कि एक काम करने वाला जो प्रधानमंत्री है, और उस काम करने वाले प्रधानमंत्री का जो एक छोटा सा कार्यकर्ता, अदना कार्यकर्ता है, वो अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात मेहनत करके मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाता है। और जब लक्ष्य आपका प्रधानमंत्री बनाना हो मोदी जी को, तो तब तक वो नहीं थकेगा, तब तक वो झुकेगा नहीं, तब तक वो अपने आप को विश्राम नहीं देगा जब तक कि मोदी जी प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि जो युवा पीढ़ी के जो लड़के हैं आजकल नेता बनना चाहते हैं, और खासकर आप जैसा बनना चाहते हैं, आप बिल्कुल जमीन से उठ के यहाँ तक आए, सत्ता के गलियारे तक पहुँचे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कों को, उन युवा वर्ग को, उन पीढ़ियों को जो आप जैसा बनना चाहते हैं? एक तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको यहाँ तक जाना है, जैसे मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे राजनीति में जाना है, सामाजिक जीवन में जाना है, काम करना है। दूसरा, सच अर्थों में उनको ईमानदार होना चाहिए, उनकी भाषा पर लोगों को विश्वास होना चाहिए, उनके वक्तव्य पर। आप मेरे साथ घूम रहे, मैंने कहा कि आप, ये तीसरा दिन है, आप मुझे तीन प्रखंड में मिले जी, बिल्कुल। आपने कभी देखा कि चुनाव को लेकर जो है मैंने कभी किसी को गलत आश्वासन दिया? नहीं। आपने देखा कि मैंने उनके, और मैं जब बोलता हूँ कि पानी में 2 साल लगेगा, मैं जब कहता हूँ कि ये काम में 4 साल लगेगा, किसी जनता को आपने देखा हाथ उठाकर कहते हुए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरी बात पर जनता को भरोसा है, मोदी जी की बात पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, और लोगों पर यदि विश्वास जमा पाए और सत्य के साथ यदि आप रहे तो आप राजनीति में आगे जा सकते हैं। यही युवाओं को मेरा संदेश। अभी पता चला, पेपर में हमने पढ़ा कि रेल जो है, आप जब आप बयान दिए थे तो बहुत लोग बोले थे कि ये तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि इधर से रेल कैसे गुजर सकती है। कुछ विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी हमने उसमें बयान पढ़े थे कि अगर रेल गुजर जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी रेल जो है उसका जो है उद्घाटन हुआ, आचार संहिता के कारण जो है आप लोगों को जो है वहाँ नहीं, गांव प्रधान जो है किए। आप ये बताइए कि मतलब इतना बड़ा विजन जो है इतनी आसानी से आप पूरा कर रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है, ये किसकी प्रेरणा है? देखिए, एक नारा है हम लोगों का कि मोदी है तो मुमकिन, और मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं को, क्या कहते हैं कि तुमने जो कमिटमेंट कर दिया जनता के सामने वो मेरी कमिटमेंट है, और तुम्हारी कमिटमेंट पूरा करने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। और ये रेल लाइन उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने कहा कि कोल इंडिया का ऑब्जेक्शन है, कोल इंडिया कह रही है कि ये रेल लाइन नहीं बनना चाहिए, उसके बावजूद भी कोल मंत्री ने कहा और रेल मंत्री ने कहा कि नहीं ये रेल लाइन बनेगा, क्योंकि ये कमिटमेंट है, ये मोदी जी की कमिटमेंट है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि जो कमिटमेंट जनता के सामने है उस कमिटमेंट के आधार पर वो पूरा होना है, और इसी आधार पर मैंने कहा था, मोदी जी के आधार पर ही, कि ये रेल लाइन बनेगा, ये एम्स बनेगा, ये एयरपोर्ट बनेगा, ये गंगा से पानी आएगा, ये यहाँ स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा,
कौन सी ऐसी चीज़ है, इंजीनियरिंग कॉलेज, अडानी पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लोकसभा में नहीं है? और यदि तुलना करनी हो तो भागलपुर से तुलना करिए, भागलपुर में इसके मुकाबले 1% चीज़ नहीं है। भागलपुर पुराना जिला है, गोड्डा नया जिला है, और आज गोड्डा जो है अब लीड करेगा। मैं भागलपुर में लोगों से जब बात किया था, वो कह रहे थे कि मेरा, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद नहीं है। ये अलग बात है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप जब क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतना लोगों के बीच फेमस हैं, कहीं आपको लगता है कि जो राजनीति पहले जातिवाद के नाम पे गोड्डा में होती थी आपके टेन्योर के पहले, वो कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पे राजनीति होनी शुरू हो गई है जब आप जीते तो, और आपने एक नई परिभाषा जो है गढ़ी है? निश्चित तौर पर, मैं जिस जाति को बिलोंग करता हूँ उसकी आबादी 25,000 है, तो मुझे तो ना 2009 जीतना चाहिए था, 2014 जीतना चाहिए था। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ इस गोड्डा में कि जात पात से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके लोग किस तरह से वोट करते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और जात पात की राजनीति यदि कहीं टूटी तो वो गोड्डा में टूटी, और ये इतिहास अब निरंतर जारी रहेगा। और आज जो चुनाव चल रहा है मेरे बगल में, अजय मंडल, वो कम से कम 2,00,000 वोटों से जीतेगा, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस आदमी को बोलना नहीं आता, जो आदमी एक कार्यकर्ता है, जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, जिस आदमी ने पैसा खर्च नहीं किया, बिना धन बल के, बिना जन, केवल जन बल के सहारे, वो आदमी 2,00,000 वोटों से ज़्यादा जीतेगा, वो केवल मोदी जी के कारण जीतेगा, वो केवल विकास के कारण जीतेगा, और केवल गोड्डा को दिखा के जीतेगा। एक अजय मंडल जी का जिक्र किया आपने, मैं होटल में गया था उनका इंटरव्यू करने, तो उन्होंने बोला कि हमरो चप्पलों को ही चुरा ले के इतने जमीनी नेता हैं। सही बात कहा आपने। सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा अंत में कि आपका मुकाबला गोड्डा के अंदर सीधे तौर पर किससे है, क्योंकि लोकतंत्र में सामने वाला कौन है इससे भी फर्क पड़ता है, किससे है मुकाबला, किससे मानेंगे? मेरा मुकाबला फुरकान अंसारी साहब यदि लड़ेंगे तो उनसे, या फुरकान अंसारी साहब की बेटी लड़ेंगी तो उनसे, क्योंकि ये जो 3,20,000 वोट है ये कांग्रेस का वोट नहीं है, फुरकान अंसारी साहब का पर्सनल वोट है। और जो खड़ा होगा, क्योंकि जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर में जो थे, उनका वोट बैंक उतना ही है, उतने पर वो सीमित रहेंगे। और मेरा मुकाबला फुरकान अंसारी साहब या उनकी बेटी से। अंत में एक चीज हम पूछना चाहेंगे, आपको लगता है कि मतलब गोड्डा का जो क्षेत्र है इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो भी जितने भी आप जिस तरीके से घूम रहे हैं लोगों के भी, जितना प्यार मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इस बार इतिहास यहाँ पे रचा जाएगा? मैंने कहा था एक सभा में कि पहली बार मैं खड़ा हुआ तो मुझे 1,90,000 वोट आया, दूसरी बार खड़ा हुआ तो ठीक उसका दुगुना 3,80,000 वोट आया, और इस बार ठीक उसका दुगुना 7,60,000 वोट आया। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। दो लाइन जनता की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि बिखरे ना बगिया तेरी, बनना तुम माली, 5 साल और दिया करना तुम रखवाली। बहुत बहुत धन्यवाद।